हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ व्लॉग। आई नो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं काफी दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ। तो कल है 16 अगस्त, तो मेरी जीजा का बर्थडे है। जीजा मतलब बड़ी बहन, सिस्टर। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया, ऐसे तो कल है। तो मैं दिखाऊंगी कि हम क्या क्या तैयारी करते हैं, कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सब इस व्लॉग में देखते रहिए कि मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे जीजा का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो सबसे पहले तो हम जा रहे हैं पार्लर, बिकॉज हम हेयर कट वगैरह कराने जा रहे हैं। तो उसके बाद बताती हूँ मैं कि क्या क्या होता है। और आप तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं पार्लर। मैं इसको बोली थी स्कूटी से चलो, पर नहीं, इनको जोर आता है स्कूटी से चलने में भी। तो अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं पार्लर और यहाँ चल रहा है जीजा का हेयर कट। सो गाइज, हम हेयर कट करा के आ गए हैं। सो मुझे बताओ कमेंट में कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, और मेरी जीजा के बाल भी देख लो। हम दोनों ट्विंस लग रहे हैं, पता है, क्योंकि हमारे बालों की लेंथ सेम लग रही है हमें। कोई बात नहीं, हम कल की पार्टी में ट्विंस लगेंगे। सो गाइस, रात के बज चुके हैं 12। मैं प्रिया को जा रही हूँ विश करने, तो आप भी आइए मेरे साथ, उसको विश करिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है प्रिया जी का बर्थडे। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने सुबह 6 बजे से क्या क्या किया है। ये आपको जितने भी बलून्स दिख रहे हैं, जिसमें से आधे फूट चुके हैं, सब में मैंने हवा भरी है इन सारे बलून्स में। और अभी यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, यहाँ होगा हमारी डेकोरेशन। तो चुटकी बजाती देखना कैसे बदलेगी। गाइस, मैं आपको डेकोरेशन बता देती हूँ, सिंपल सी ही की है, पर इसी को करने में हमें बहुत देर लग गई है। सो अब हम यहाँ फोटोशूट करने वाले हैं। तो इधर हम लेने आ गए प्रिया जी का केक। सो आपको कैसा लग रहा है आपका केक? बहुत सुंदर, आप दिख नहीं रही है। हे गाइस, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैं मेरा फुल लुक दिखाऊंगी आपको। तो अभी हमारी डेकोरेशन हो चुकी है, उसकी फ्रेंड्स नहीं आई है अभी तक रास्ते में, बस आने ही वाली है। और मैंने उसको भी रेडी होके बैठा दिया है, वो पूछ रही है कि क्या हुआ, क्यों रेडी होके बैठा रखा है। तो उसका भी कोई आइडिया नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और क्या कर रही है, तो मुझे बता दे यार, क्यों तैयार होके बैठा दिया? हम बस ऐसे ही, अभी जीजा का लुक भी दिखाऊंगी मैं पूरा। मैं सोचा थोड़ा फोटो शूट वगैरह कर लेते, दैट्स व्हाई मैंने फोटोशूट के लिए इतनी मेहनत की है। और आपको हमारी खूब सारी रील्स देखने के लिए मिलेगी। तो हम बस अब फोटोशूट कराने जा रहे हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको व्लॉग में कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो जुड़े रहिए मेरे व्लॉग से। जो लोग आ चुके हैं, आवाज सुन सकते हो आप यहीं से? 1 2 3 तो यहाँ पे पिंकी दीदी को तैयार किया जा रहा है मेरी मम्मी से मिलाने के लिए। अभी हम रेडी हुए रील्स बनाने के लिए, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे दिखेगी। तो आप इन सबका लुक दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देविया है। पसंद कर
सो गाइस, हमें एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में बहुत देर लग गई और अब यहाँ सब अपने कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या पहनना है। क्यों पिंकी दीदी? यहाँ जाना तैयार पिंकी दीदी, फिर भी देख रहे हो कांच में? अब सराय तैयार हो रही है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अच्छा लग रहा है देखो। इतना डांस किया और अब हमारा ऑर्डर आ गया, तो अब हम खाएंगे फिर थोड़ा रिलैक्स होंगे। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग से। चीयर्स। और ये दीदी ये समेटा कर रही है, इन दीदी का अभी तक पिज्जा खत्म ही नहीं हुआ है। और ये सोच रही है ये कितनी देर में खाना खाएगी। ये लेके आई है भूख प्रिया के लिए। आप प्रिया के लिए भूख लेके आई है? तो क्या लिया है? वाह, कलर चेंजिंग वाला कॉफी मग दिया जिसमें मैं रोजीना चाय पीऊंगी। और ये सबसे यूनिक गिफ्ट लाई है पिंकी दीदी है। इसमें आप मुझे बना बना के खिला लो। ये असली गिफ्ट है। तो उत्सुकता बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी है। वो नाइस। तो अब मेनका दीदी की बारी। ये ये एकदम इज्जत से दी है। ये सुप्ता बढ़ती जा रही है। क्या है क्या है क्या है? आराम से आराम से आराम से। अब लास्ट बस बस। और ये देखिए ये लड़की है भाई, ये क्या बस जाते टाइम अब केक खा रहे हैं। सो अब सब थक चुके हैं, लास्ट में हमें केक और बस ही हुए का मूवी और सबसे बड़ी भी खराब नहीं है। सो बस हमने एंजॉय कर लिया काफी और हमें खूब मजा आया। क्यों? सो गाइस ये सब जा रहे हैं। बाय बाय। सो गाइस ने बहुत परेशान किया, कैमरा मुंह पे। सो हमारी पार्टी हो चुकी है और हमें खूब मजा आया। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, बाय नेक्स्ट टाइम बाय। सो गाइस अभी सब जा चुके हैं और अभी थोड़ा
हमने सफाई वगैरह की तो अब टाइम मिला, तो मेरे को याद आया कि मैंने ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं, तो अब कर देती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं आगे न्यू ब्लॉग और बना सकूं, क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं तो उन सबके ब्लॉग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को खूब सारा प्यार दिखाइए। थैंक यू।